हेलो दोस्तों, आज है 17 जनवरी और मेरे वेट लॉस जर्नी का डे है आज 43। दोस्तों, आज मैं किसी कारणवश वॉक पे नहीं जा पाई तो घर में ही मैं कर लूंगी एरोबिक्स। 11 बजने वाले हैं और अभी मेरा हो रहा है फर्स्ट ड्रिंक लेने का टाइम। तो आज से 7 दिन मैं फर्स्ट ड्रिंक में मेथी पानी नहीं लूंगी, क्योंकि लगातार मेथी पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये मैं खुद से नहीं कह रही, मैंने भी पढ़ा और सुना है कि लगातार कोई भी आप फैट कटर ड्रिंक पीते हैं तो वो फिर आपको बॉडी में काम करना कम कर देता है। तो इसलिए मैं भी मेथी पानी को थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए रोक रही हूँ। तो लगातार एक ही चीज़ पीते पीते वो आपके शरीर के साथ यूज टू हो जाता है, इसीलिए मैंने मेथी पानी को भी रोक दिया है एक हफ्ते के लिए। और अब एक हफ्ते के लिए मैं दूसरा फैट कटर ड्रिंक ले रही हूँ। फैट कटर ड्रिंक बनाने के लिए मैंने रात में ही एक गिलास पानी में डाल दिया। सब की मात्रा मैंने आधी छोटी चम्मच से भी कम रखी है। तो उसमें अजवाइन, धनिया, सौंफ, जीरा, ठीक है, एक स्टिक मैंने लिया है दालचीनी का। अगर स्टिक नहीं है, पाउडर है, तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और अदरक भी डाल दिया है, क्रश कर दिया, उसको भी थोड़ा सा डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाली है उसमें और आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी डाली है उसमें। और उसमें 2 तेजपत्ता डाला है। इतना कुछ डाल के उसको रात में फुल दे दिया। फिर उसके बाद जब अभी पीना है मुझे, तो मैंने उसको अभी चढ़ा दिया है खोलने के लिए, मतलब वो अच्छे से उबल जाएगा। मतलब अच्छे से उसको उबालना है, एक गिलास का आधा गिलास कर लेना है, इतना उबाल देना है, फिर उसको छान कर पीना है। तो अभी वो उबल रहा है, हो ही गया है टाइम, 5-7 मिनट के बाद 11 बज ही जाएंगे। तो फिर मैं उसे पीऊंगी चाय की तरह, गरम गरम ही उसे पीना है चाय की तरह। तो उसे मैं एक हफ्ते के लिए ले रही हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं 11:05 में, क्योंकि कल 5 मिनट लेट से मेरा खाना खत्म हुआ है। तो आज 11:05 से मेरा ईटिंग पीरियड शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर के बाद। दोस्तों, ये बज रहे 11:05 और आज का मेरा पहला ड्रिंक है मेथी पानी नहीं। आज मैंने लिया है ये काढ़ा, इसे आप वेट लॉस ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पी लेते हैं इसको। इसको तो गरम गरम ही पीना होगा चाय की तरह। तो पी लेते हैं, फिर मिलते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ। दोस्तों, बज रहे 11:28, यानी कि 11:30 तो बज ही गए हैं। और ये लिया है मैंने नाश्ते में जूस, ये बीटरूट और गाजर का जूस है। और इस जूस में मैंने मिलाया है थोड़ा सा काला नमक। तो चलिए दोस्तों, इस जूस को अब पी लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए आज दोपहर के खाने में क्या बना है। अरहर की दाल, ब्रोकली की सब्जी, चावल, और यहाँ मैंने बनाया है कैबेज और गाजर, और इसमें एक आलू है बस। और यहाँ बन रहा है आलू और गाजर प्याज का भुजिया। थोड़ी देर में खाना बन ही जाएगा, खा लेंगे। और यहाँ 2 टमाटर रखा है मैंने सलाद के लिए। दोस्तों, ये बज रहे हैं 12:37 और अभी मैंने लंच में लिया है दाल चावल। तो चावल मैंने लिया है और ये ब्रोकली की सब्जी है, आलू गाजर का भुजिया है और ये कैबेज का भुजिया है। और दाल चावल में आम का अचार तो मेरा फेवरेट है। और ये सलाद, थोड़ा सा बच्चों के लिए बनाया था चिप्स, तो मैंने वो भी ले लिया। और ये अरहर की दाल है, इसमें मैंने डाला है 3-4 ड्रॉप घी का, ज़्यादा नहीं घी लिया, वैसे घी खा सकती हूँ थोड़ा सा। तो खैर, अब ये लंच है मेरा, लंच कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाद में। आज भी लेट हो गई थोड़ा सा। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 6:07, आज 6:10 हो ही जाएगा, लास्ट मील डन होते होते। तो चलिए ले लेते हैं। लास्ट मील में मैंने लिया है पपाया शेक, क्योंकि दोपहर में बहुत अच्छे से खाना खाया है मैंने, बहुत अच्छे से। और शाम को क्या हुआ, 3:30-4 बजे के आसपास कुछ मीठा लेने का मन किया,
लगा जैसे कॉफी पीऊं, तो फिर कॉफी नहीं पीकर मैंने गजक खा लिया। इतना छोटा टुकड़ा था गजक का, पर मैंने खा लिया। गुड़ का गजक है, लेकिन चलो मीठा खाने का मन किया, मीठे की क्रेविंग थी तो खा लिया उसे, कोई बात नहीं। खुद ही मैं बोल देती हूँ कोई बात नहीं। अब तो जो हो जाए। लेकिन आज मैंने दाल चावल भी मजे से खाया, और कल फिर मेरा रहेगा जूस डाइट, इसीलिए आज खाया। आज शाम को भी मेरा मन था कि कुछ खाऊं, लेकिन फिर सोचे नहीं कौन खाता है, मन नहीं किया खाने का, इसलिए मैंने सिर्फ एक गजक, मतलब इतना बड़ा गजक का टुकड़ा, टुकड़ा नहीं कहेंगे, एक गजक ही था वो मैंने खा लिया। तो चलिए अभी पी लेते हैं पपाया शेक, ज्यादा लेट ना करते हुए। ये सिर्फ पपीता और दूध है, इसमें ना ओट्स डाला है ना चीनी है, सिर्फ दूध और पपीता। दोस्तों हो गया लास्ट मील डन, पपाया शेक बहुत ही मजेदार, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। आजकल का पपीता इतना मीठा आ रहा है, इसमें चीनी मीठा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मीठे की भी जो इच्छा होती है ना उसको भी दबा देता है। लेकिन दाल चावल खाने के बाद पता नहीं आज मुझे नींद भी बहुत आई, इसलिए कहते हैं दाल चावल में नशा होता है। आज मैं सो भी गई थी बहुत देर तक, वैसे भी रात को लेट तक जगती हूँ ना, तो नींद आना तो वाजिब है, नींद तो आएगी, लेकिन आज नशे वाली नींद थी। अभी मेरा चेहरा देख के भी लग रहा होगा कि खूब सोई है, फ्रेश भी मैं हूँ, फेस वगैरह सब धोया, लेकिन फिर भी चेहरे पे दिख जाता है कि मैं खूब सोई हूँ, और इतनी गहरी नींद थी कि क्या बताऊँ, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन अभी लास्ट मील का टाइम हो रहा था तो उठना पड़ा। सोई भी थी 3:30 के आसपास, मतलब गजक खाया उसके बाद सो गई। दाल चावल खाने के बाद तुरंत नींद नहीं आई मुझे, मैं तभी तुरंत नहीं सोई थी, और क्योंकि दाल चावल तो मैंने 12:30 बजे ही आज खा लिया है, 12:45 के आसपास, और उसके बाद अभी कुछ कुछ काम था, घर का काम किया, फिर उसके 3 बजे के आसपास मैंने गजक खाया, फिर उसके बाद तब मुझे नींद आई, और नींद आई तो एकदम नशे वाली नींद आई। तो दोस्तों आज भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने आज क्या खाया क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।